पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी के समर्थक एवं व्यापारी दुकानदारों ने मांग रखी। पिछोर के विकास के लिए प्रीतम सिंह लोधी जी को मंत्री बनाया जाए और मंत्रिमंडल में बड़ा पद दिया जाए। फास्ट समाचार संवाददाता सचिन राज भट्ट ने की चर्चा, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सचिन राज भट्ट फास्ट समाचार से आज खड़ा हूँ पिछोर विधानसभा में। यहाँ पिछोर विधानसभा में 30 सालों बाद भाजपा ने अपना परचम लहराया है और प्रीतम सिंह लोधी जी यहाँ के विधायक बने हैं। अब उनके समर्थक और कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि पिछोर विधानसभा से प्रीतम सिंह लोधी जी को मंत्री बनाया जाए। आइए, हमारे साथ कुछ दुकानदार खड़े हैं, कुछ समर्थक खड़े हैं, जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष भार्गव है। आशीष, क्या मांग है आपकी? जिस तरह से 30 सालों बाद भाजपा ने यहाँ पर अपना परचम लहराया है, क्या कहेंगे? इतने बड़े गढ़ को तोड़ने वाले को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, पहली ये हमारी मांग है। तभी पिछोर को सब में अपन जिला बना पाएंगे और मंत्रिमंडल में आदरणीय प्रीतम भाई साहब को मंत्रिमंडल में लिया जाए, ये हम सब व्यापारी मंडलों की मांग है। चलिए, व्यापारी की मांग है, साथ ही कुछ कार्यकर्ता भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत लोधी। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? प्रीतम भैया को गृह मंत्री बनाया जाए। यहाँ गृह मंत्री की विवाद चल रही है, कुछ का कहना है कि मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और गृह मंत्री बनाया जाए। कुछ और भी हमारे साथ व्यापारी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सुमित गुप्ता। सुमित, प्रीतम सिंह लोधी जी यहाँ से विधायक चुने हैं, अब आपका क्या कहना है, क्या मांग है? प्रीतम भाई साहब को इधर से गृह मंत्री बनाने की हम मांग रखते हैं। सभी व्यापारी वर्ग, पिछोर में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए और पिछोर विकास के मामले में सबसे आगे हो और जिला की मांग करते हैं। प्रीतम भैया जिंदाबाद। तो यहाँ इस तरह से आपने देखा कि और भी कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? पान सिंह लोधी। अच्छा, पान सिंह जी, क्या मांग रख रहे हैं आप? प्रीतम भैया को मंत्री बनाया जाए। प्रीतम भैया, यहाँ किसान लोग व्यापारी परेशान हैं, तो भैया मंत्री बन जाएंगे तो उनका विकास होगा, हर आदमी का विकास होगा। 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए मंत्री बन जाएंगे तो जिला बनेगा, हर गरीब का सब संपूर्ण काम। पिछोर में कुछ जनसेवा मित्र और विश्व हिंदू परिषद भी हमारे साथ खड़ा है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधर निंगोती है। अच्छा, गिरधर निंगोती जी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपने 30 साल में हमारी पार्टी को और प्रदेश को विधायक सरकार के विपरीत दिया है, आप एक बार पिछोर से भाजपा का विधायक बनाकर दीजिए और हम पिछोर को जिला बनाएंगे और पिछोर का विकास कराएंगे। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना है कि हमने माननीय प्रीतम सिंह लोधी जी को भारी बहुमत से विजय बना के भेजा है। विगत पिछले 15 से 20 वर्षों में पिछोर में आज तक ऐसी जीत नहीं हुई और 30 साल से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली पिछोर को भी हमने गढ़ उखाड़ दिया है। अब हमारा भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि हमारे प्रत्याशी को मंत्री बनाया जाए ताकि जो 30 साल में हमारे पिछोर की दुर्दशा हुई है और जो विकास से अछूती रहा है और जिले का सबसे दूरी विधानसभा होने के कारण यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ है, जो भी सरकार की सामान्य योजनाएं होती थी केवल उन्हीं का लाभ मिलता था, जो जन जन को मिलने वाली योजनाओं के अलावा कोई स्पेशल लाभ नहीं मिला है। तो इस तरह से गिरधर निंगोती जी की भी मांग है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पांडे, जिला छात्र संघ प्रमुख हूँ मैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। अच्छा विजय पांडे जी, आप सभी लोगों की यहाँ पर खड़े हैं, जैसे निंगोती जी ने भी बताया कि यहाँ पर विकास जो अब होना है उसके लिए प्रीतम सिंह लोधी जी को मंत्री बनाया जाए, क्या कहना है आपका? मेरा कहना जी है कि बड़ा सौभाग्य और खुशियों का दिन है आज कि हमारे प्रीतम भाई साहब मरुभूमि में पहली बार जो है कमल खिला है। अब ये कमल की जो है सुगंध जो है भोपाल तक जाना चाहिए और भाई साहब के लिए निश्चित ही मंत्री पद मिलना चाहिए। तो यहाँ साफ तौर पे सभी लोगों का कहना है कि मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ। ये जो गूंज आप सुन रहे हैं पीछे के, यहाँ पर व्यापारी, छात्र, सभी लोग यही मांग करते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए और कैबिनेट में एक बड़ा पद भी दिया जाए। और भी कुछ कहना चाहते हैं? एक बात और हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी भावनाओं की कदर करके हमारे प्रत्याशी को मंत्री बनाया तो पिछोर से इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता रहेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ खड़े हुए हैं,
जी, क्या नाम है आपका? कपूर लोधी। अच्छा कपूर जी, जिस तरह से सभी व्यापारियों की भी किसानों की भी मांग है कि प्रीतम सिंह लोधी जी विधायक बन के आए, उन्हें मंत्री बना जाए, क्या कहेंगे आप? व्यापारियों के किसानों की नहीं, यहाँ के हर एक युवा जो प्रीतम लोधी के दिल में बसता है और हर एक नागरिक और हर एक वोटर, सभी की मांग है कि प्रीतम लोधी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और अच्छा दायित्व तो दिया जाए, जिससे कि हमारी पिछोर विधानसभा का विकास हो। जो जो 30 सालों से विकास रुका हुआ था वो विकास होना चाहिए, वो विकास हो, इसलिए प्रीतम लोधी जी को हमारा वरिष्ठ नेतृत्व से विशेष निवेदन है, पिछोर की जनता का एवं पिछोर के सभी वोटरों का और जितने साथ दिया सभी का विशेष आग्रह है आपसे, वशिष्ठ हमारे जो वरिष्ठ हमारी जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों और श्रीमंत महाराज साहब हैं, हमारे सभी से निवेदन है कि आप प्रीतम लोधी जी को अच्छा से अच्छा मंत्रालय दें। तो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने कहा है कि जो बड़े नेता हैं वो इस बात का ध्यान रखें और प्रीतम सिंह लोधी जी को यहाँ से बड़ा पद दिया जाए और मंत्रिमंडल में एक विशेष स्थान दिया जाए। नमस्कार।